नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 29 चैनल पे। आज इस वीडियो में आप सभी को अपना स्ट्रेटेजीज बताएंगे जो कि SCRT एग्ज़ाम आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। कुछ बात है जो आप फॉलो करेंगे तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत आपको आसानी होगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि सिलेबस क्या है। इससे पहले मैं पिछले वाला वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको क्या सिलेबस है। तो प्री एंट्री टेस्ट एडमिशन के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 100 टोटल मार्क है आपका क्वेश्चन 100 मार्क का क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क 100 होगा आपका और क्वेश्चन भी आपको 100 होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा, और साथ में ईच क्वेश्चन वन, मतलब एक एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क करके, ठीक है। और आपको यदि आप नेगेटिव आप पा रहे हैं तो आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क है, एक क्वेश्चन 1 मार्क, और आप एक क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो 0.25 आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो आपको इट हैज़ 2 सेक्शन। इस सिलेबस में 2 सेक्शन है जो कि आपका 100 मार्क आएगा, उसका 2 डिवीज़न है। तो पहला सेक्शन में आपका 40 मार्क आएगा और इसमें 4 पार्ट है। पहला में है इंग्लिश, जिसके लिए 10 मार्क जिसमें से आएगा। बी नंबर है जनरल नॉलेज, जिसमें से 10 मार्क। सी नंबर रीजनिंग है, 10 मार्क। और डी नंबर एजुकेशन है, जिसमें जिसमें कि 10 मार्क। तो टोटल यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो टोटल 40 हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इंग्लिश 10, जीके 10, रीजनिंग 10 और एजुकेशन 10 मार्क करके आपका होगा टोटल 40 मार्क, ठीक है। आगे चलते हैं तो आपका सेक्शन 2 आएगा, जिसमें कि आपको 60 मार्क है, ठीक है। मतलब पिछला में 40 था और इसमें 60 है, तो इसमें ज़्यादा मार्क है, 60 मार्क का है। तो इसमें जनरल मैथ है, जिसको जिसके लिए आपको 15 मार्क, मतलब इसमें से आपका 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो साइंस है और EVS, जिसमें से 15 मार्क आएगा। और नेक्स्ट सोशल साइंस, उसमें से 15 मार्क। और डी नंबर है आपका लैंग्वेज, जो कि असमिस, बंगला और बोडो, इन तीनों में से कोई एक आपको लैंग्वेज मिलेगा और आप कोई एक लैंग्वेज चॉइस करके आप ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर को क्लिक कर सकते हैं, मतलब अपना आंसर आंसर दे सकते हैं, जिसके लिए आपको इसमें से लैंग्वेज से 15 मार्क आएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैथ्स 15 मार्क, साइंस 15 मार्क, सोशल साइंस 15 मार्क और लैंग्वेज 15 मार्क, ठीक है। और आगे चलते हैं तो आपको यहाँ इसमें आपको बताऊँगा कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन सा आप फॉलो करेंगे। हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगा और उससे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में लाऊंगा, आने वाला वीडियो में। इस वीडियो में आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो इस वीडियो में चलते हैं आपको इंग्लिश सेक्शन की तरफ, और इसमें आपको पता होगा कि 10 मार्क आएगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है एग्ज़ाम में, आपको पता है कि सिर्फ 10 मार्क आएगा, तो 10 मार्क आप आसानी से पा सकें इसके लिए आपको क्या क्या टॉपिक्स आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें से तो आपको 99% आप बोल सकते हैं कि इसमें से आएगा ही। तो पहला नंबर आपका वोकेबुलरी है, जिसमें कि आपको साइनोनियम और एंटोनियम्स मिला के आता है, तो इसमें आपको 2 मार्क इससे आ जाएगा। साइनोनियम्स और एंटोनियम्स, साइनोनियम्स आपको मतलब सेम वर्ड, एक वर्ड का मतलब एक शब्द का अनेक वर्ड आप मतलब आप बोल सकते हैं। और एंटोनियम मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, कोई भी शब्द का अपोजिट आपका क्या होगा। आगे भी अगले अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा एंटोनियम साइनोनियम का कुछ एग्जांपल मैं लिया हूँ। आगे चलते हैं तो आपका 2 नंबर है वॉइस, जिससे 1 मार्क आएगा आपका। नरेशन से 1 मार्क, जो कि बहुत आसान है, ये दोनों तो आपको कटना ही नहीं चाहिए, वॉइस और नरेशन बहुत आसान है। आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो भी लाऊँगा वॉइस नरेशन पर। और नेक्स्ट आगे चलते हैं तो टेंस, जो कि आपको बचपन से ही मिला होगा क्लास 4-5 से। नेक्स्ट प्रिपोजिशन, इससे 2 मार्क। और पैसेज राइटिंग से 2 मार्क, पैसेज राइटिंग में आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के और कुछ क्वेश्चन होगा उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपको 2 मार्क आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सिलेबस है, यहाँ पे आपको हार्ड थोड़ा लग सकता है साइनोनियम एंटोनियम, क्योंकि बहुत सारा साइनोनियम एंटोनियम है, लेकिन यहाँ से 8 मार्क आपको पाना बहुत आसान है, वॉइस नरेशन टेंस प्रिपोजिशन और पैसेज। और आपको साइनोनियम एंटोनियम का के ऊपर भी वीडियो मैं लाऊँगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा। तो आगे और चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे मैं इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी जो बोला था उसके उसके अंदर साइनोनियम एंटोनियम का मैं लिया हूँ, कुछ एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। तो साइनोनियम का एग्जांपल है यहाँ पे,
आपको पता होगा कि मैं बताया था कि साइनोनियम एंटोनियम मिला के आपका 2 मार्क आएगा, ठीक है। तो साइनोनियम में देखते हैं कि पहला यहाँ पे आप एग्जाम्पल दिया है बिगेन। बिगेन मतलब होता है कोई चीज़ को शुरू करना है, तो इसका और क्या वर्ड हो सकता है जो कि बिगेन से रिलेटेड होगा? तो आप स्टार्ट बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं? आप सभी को पता होगा आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो स्टार्ट मतलब शुरू करना। उसी तरह ओपन भी बोल सकते हैं, ओपन मतलब भी होता है शुरू करना। उसी तरह आप लॉन्च भी बोल सकते हैं, LUNCH, ठीक है, मतलब कोई चीज़ लॉन्च करना, तो मतलब आप शुरू ही कर रहे हैं। और नेक्स्ट इनिशिएट, इसका मतलब भी होगा शुरू करना। कॉमेंस, ये भी साइनोनियम है शुरू करने का। और इनोग्रेट, ये भी उसका साइनोनियम है। और ओरिजिनेट, ये भी आपका इसका साइनोनियम है। तो आप देख सकते हैं कि एक शब्द से कितना सारा शब्द मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। आप यदि चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एंटोनियम और साइनोनियम के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन लाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ आपको, 100-200 मैं साइनोनियम्स और एंटोनियम्स लाऊंगा जो कि आप पढ़ लेंगे, तो इससे बाहर तो मैक्सिमम चांस है इसे आप मैंने इसमें से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आप एक और देख लीजिए। ओल्ड, ओल्ड मतलब क्या होता है? ओल्ड मतलब होता है पुराना, हिंदी में लिखा है यहाँ पे पुराना। तो इसका साइनोनियम क्या होगा? फिबल। फिबल मतलब क्या है? ओल्ड। फ्रेल, इसका मतलब भी होता है पुराना। एंशियन, आपको पता ही होगा। ओल्ड फैशन मतलब पुराना मॉडल जो होता है। आउटमोडेड मतलब आउटडेटेड टाइप का। वेटरन, इसका मतलब भी होता है पुराना। मेच्योर, जो मेच्योर होता है, तो ऑफकोर्स कोई भी चीज़ मेच्योर होता है तो मतलब पुराना ही है। प्रिमिटिव, ट्रेडिशनल, कॉन्वेंशनल, कस्टमरी और स्टेल, ये जितना यहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा ये सब ओल्ड का साइनोनियम्स है, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो एंटोनियम्स का थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एंटोनियम्स का एग्जाम्पल यहाँ पे है, देख लीजिए। पहला आपको एंटोनियम्स का एग्जाम्पल है एब्सेंट। तो एब्सेंट का ऑपोजिट क्या होता है? एंटोनियम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। एब्सेंट का क्या होगा? प्रेजेंट होगा। उसी तरह एबंडेंट, एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब तो ज़्यादा का क्या होगा? कम होगा। तो स्केयर्स, इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्केयर्स। उसी तरह एक्सेप्ट, कोई चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यदि एक्सेप्ट किए तो एक्सेप्ट, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिक्लाइन, रिफ्यूज़ करना, नहीं लेना, तो उसका ऑपोजिट रिफ्यूज़ होगा, डिक्लाइन होगा। और आगे चलते हैं, तो एक्यूरेट, कोई चीज़ एक्यूरेट है मतलब सही है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? गलत है, तो इनएक्यूरेट बोल सकते हैं, इनकरेक्ट बोल सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, तो एडमिट, एडमिट करना, कोई चीज़ एडमिट करना, उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिनाई करना, एडमिट नहीं करना, रिजेक्ट कर देना मतलब। आगे चलते हैं, तो एडवांटेज, एडवांटेज का क्या होगा? मतलब कुछ लाभ आपको मिल रहा है कोई भी चीज़ से, उसका ऑपोजिट होगा डिसएडवांटेज। और उसी तरह एग्री, अगेंस्ट, अगेंस्ट का फॉर, एग्री का डिसएग्री। तो ये कुछ था जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताया। यदि आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जितना यहाँ पर टॉपिक्स है इंग्लिश का और बाकी और भी सब्जेक्ट का, उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा ज़रूर, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको चाहिए या नहीं। यदि आपको चाहिए तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम 6 मई 2018 को है, तो अभी अभी भी आपको 1 मंथ से ज़्यादा टाइम है। आप अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से करेंगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यही छोटा सा वीडियो था आपको, मैं अपना ओपिनियन बताया कि कैसे आपको तैयारी करना है। यदि आप चाहते हैं इस तरह वीडियो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर लाने के लिए कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।